हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल पोकीवैक्स हिंदी में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं रिव्यू देने वाला हूँ या फिर डब करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल सुपर हीरो सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज का एपिसोड 6 जो कल रिलीज हुआ था। ओके गाइस, तो तुम ये इसको इस वीडियो को मैंने अपनी आवाज़ में डब किया है और हिंदी में डब करके दिया है आपको कि आप अच्छे से समझ पाए। अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझता तो बिना कोई टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो एपिसोड है ये शुरू होता है बिजली कड़कने से। दोस्तों बिजली कड़कने के बाद होता है एक्सप्लोजन्स, जो लावा निकलते हैं बाहर और उसके बाद हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है फू के साथ। दोस्तों फू और सुपर सियन 4 गोकू और वजीटा दूसरे डिमेंशन वाले फाइट करते रहते एक दूसरे के साथ। ओके, फिर बीच में से ही आता है हमारा मेन विलन जो है कम्बा। दोस्तों कम्बा पीछे से आ जाता है और वो सारी चीज़ें तबाह करने लग जाता है और फू बहुत ही टेंशन में आ जाता है उसकी की देख के। यही फू नहीं, बाकी के सब लोग भी टेंशन में आ जाते हैं। और उसके बाद हमारे गोकू का सीन आता है, वो हमारा सोया पड़ा है उस जल के बाद। दोस्तों बाकी गोकू भी को नहीं बाकूलर भी परेशान हो जाता है कि इसमें इतनी एनर्जी आती कहाँ से इतने बड़े बैटल के बाद। फिर दोस्तों कम्बा बोलने लग जाता है फाइट, दोस्तों मेरे साथ फाइट करो। तो उसके बाद इसकी ही को देख के भाई फू एकदम पागल हो जाता है। फिर दोस्तों फू उन लोगों को बोलता है कि मेरे को जो चाहिए था वो हो गया है, यानी मुझे जो करना था मैंने कर लिया है, अभी वो लोग जाग जाएंगे। भाई कौन लोग जान जाएंगे वो तुम लोग को एंड में पता चलेगा। दोस्तों उसके बाद फू अपनी तलवारें चलाता है और एक डायमेंशनल पोर्टल खोल लेता है और उसके अंदर चला जाता है। दोस्तों फू ही नहीं बल्कि कूलर भी उसके पीछे चला जाता है उसे पकड़ने के लिए। फिर दोस्तों उसके बाद होती है हमारे विलन की एंट्री और वो अपने एक स्पेशल अटैक के साथ आ जाता है, यानी वो स्पेशल अटैक करता है और हमारे हीरोज की तरफ फेंक देता है, यानी दूसरे डिमेंशन गोकू और वेजिटा। दोस्तों गोकू और वेजिटा उस अटैक को झेल नहीं पाते। ओके, उस अटैक को, और फिर हमारा वेजिटा गोकू से कहता है गोकू उठ, कितने देर तक सोएगा। फिर उसके बाद अचानक से एक लाइट आ जाती है, उसके बाद गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जाग जाता है। हाँ गाइस, फिर सब कुछ हवा में उड़ने लगता है जैसे कि हमें सुपर ड्रैगन बॉल सुपर में देखा गया था। फिर उसके बाद गोकू उस अटैक को डिसमिस कर देता है, यानी तबाह कर देता है। ओके, उसके बाद गोकू के यूआई वाली लाइट सब जगह पे होती है। ओके, फिर उसके बाद ये लोग चौंक जाते हैं कि ये बंदा आखिर उठा कैसे, यानी गाइस वो उठा कैसे यार, उसके पास इतनी ताकत कहाँ से। फिर मैं पूछते कि वो क्या है, तो फिर उसके बाद वेजिटा उन सबको बताता है कि वो क्या है, उसे बोलते हैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। ट्रंक्स उसे पूछता है ये क्या है, तो वो बोलते हैं तुम्हें पता चल जाएगा। फिर उसके बाद अचानक से गोकू पहुंच जाता है कम्बा के सामने और कम्बा उसके ऊपर अटैक्स करता है पर वो उसका कुछ इफेक्ट नहीं होता और ये इतना फास्ट होता है कि कोई देख भी नहीं पाएगा। दोस्तों कम्बा का अटैक डॉज कर लेता है गोकू और उसे एक बहुत ज़ोरदार किक दे देता है जिसको झेल नहीं पाता कम्बा और नीचे गिर जाता है। उसके बाद दूसरा सुपर सियन 4 गोकू सोचता है कि ये इतना स्ट्रांग कैसे बन गया यार, ये इतना स्ट्रांग कैसे है, और वो चौंक जाता है भाई बहुत स्ट्रांग है यार ये, बट हमारा वेजिटा नहीं चौंकता। उसके बाद दोस्तों बहुत ही घमासान फाइट होने लग जाती है उस प्लैनेट पे और गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ हमारे हर एक पंच को ब्लॉक करते जाता है, यानी स्किप करते जाता रहता है, यानी और एक पंच उसका पकड़ लेता है गाइस, ठीक है, उसका एक पंच पकड़ लेता है और उसके बाद वो कामे हामे हाँ देने के लिए तैयार जाता है। ओके, फिर कम्बा उसको बोलता है कि नहीं, कामे हामे हाँ मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ये ताकत मेरी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। ओके, उसके बाद कम्बा गलत होता है और फिर बाद में वो कामे हामे हामे अंदर चला जाता है, यानी हारने की तरफ बढ़ता रहता है और गोकू अपनी ताकत बढ़ाते चला जाता है। ओके, अब इस अटैक के बारे में, उसके बाद ऊपर जो प्लैनेट रहता है उसमें एक बड़ा सा क्रैक आ जाता है, भाई लोग बहुत बड़ा क्रैक आ जाता है, उसके बाद कम्बा हार जाता है और नीचे पड़ जाता है। ओके, फिर उसके बाद गोकू का यूआई चला जाता है और जब चला जाता है ऊपर का जो प्लैनेट था उस पे से कुछ लोग बाहर आ जाते हैं और वो प्लैनेट पर्पल हो जाता है और उसमें से कौन लोग बाहर आए वो पता नहीं, बस एक ही जन आया है, वो है जमासू। दोस्तों जमासू को देख के तुम लोग चौंक रहे होंगे और गोकू भी चौंक गया और ज़ोर से चला, जमासू ये रिवाइव कैसे हो गया गाइस, ये रिवाइव कैसे हो गया, जमासू ऐसी बातें कर रहा है। उसके बाद कूलर को उठाता है, सॉरी कम्बा को उठाता है और ऊपर लेके जाता है, गोकू उसकी तरफ देखते रह जाता है और भाई
उसके बाद गोकू आजू बाजू देखता है तो सब चीजें हिलने लग जाती है और सब जगह पे इरप्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी वोल्केनोस फटने लग जाते हैं, प्लैनेट फटने लग जाता है, गोकू चिल्लाने लग जाता है, क्या पता है गोकू क्या करेगा भाई लोग। फिर उसके बाद ये प्लैनेट, मतलब जो प्रिजन प्लैनेट था, वो सब जगह से फूटने लग जाता है और बाद में वो चीतड़ों में बट जाता है और फूट जाता है। और दोस्तों फिर उसके बाद हमें ये क्लियर व्यू दिखाया गया कि ये फूट चुका है दोस्तों। दोस्तों सब कुछ फूट जाता है, प्लैनेट जो भी प्रिजन प्लैनेट जिसने बनाया था वो सारा डिसमिस हो जाता है, यानी कहाँ से कहीं पे गायब हो जाता है दोस्तों। तो यहीं पे हमारा एपिसोड 6 ख़त्म होता है और आज का वीडियो भी यही ख़त्म होने वाला है, क्योंकि दोस्तों एपिसोड 6 इतना ही था दोस्तों। तो आज के वीडियो में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया भाई। 7 में क्या होता है और एपिसोड 7 कब आता है, अगर कोई डिटेल्स मिले तो मैं चैनल पे तुम लोगों को बता दूंगा यार, कोई टेंशन नहीं, मैं ऐसी एपिसोड के रिव्यू करता रहूँगा दोस्तों। पोकेमोन रिलेटेड भी कंटेंट आता रहता है चैनल पर, देखना बस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय बाय।